सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन NCC द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 7 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट्स जल्दी से रिस्पॉन्ड करें कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। सभी कैडेट्स फटाफट लाइव आ जाए और चैट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो आज हम NCC का सी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले, ठीक है। जो 2019-20 का जो ओरिजिनल सी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन पेपर है वो आज मैं आप सभी को पढ़ के सुनाने वाला हूं, ठीक है। सिर्फ आप सभी को आज के इस क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं एक नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा, उस क्लास में हम इसके आंसर भी देखेंगे। जी हाँ, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सभी कैडेट्स, जितने भी कैडेट्स देख रहे हो, पूरा फोकस्ड होके देखो। अगर आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये पेपर आपके लिए है। और जो बी वाले बच्चे हैं वो भी देखो, क्योंकि आगे चल के आप सी का एग्जाम देने वाले हो तो आपको पता चलेगा कि सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि और एक बात मैं यहां पे बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम के हो और इंग्लिश मीडियम के हो तो दोनों भी लैंग्वेज में आपको यह पेपर देखने को मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों भी बच्चे जो इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी लैंग्वेज में पेपर है, तो ठीक है। तो सी सर्टिफिकेट, तो आप सभी लोग पहले जल्दी से लाइव आ जाए और चैट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन कौन प्रेजेंट है। हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, भैया ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं, क्यों? क्योंकि आप हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स हो, इसीलिए आप सभी के लिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, ठीक है। ये तो अलाउ ही नहीं होता है, और मैं ये बता नहीं सकता हूं कि ये पेपर कहां का है, ठीक है। ये अलाउ नहीं होता है कि ऐसे पेपर बताना, लेकिन आप सभी, हमारे जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, मैंने उसको काट दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये पेपर कहां का है, ये ऊपर वाला पोर्शन मैंने काट दिया है क्योंकि अलाउ नहीं होता है। लेकिन आप सभी हमारे डेली वाले कैडेट्स हो, इसलिए जो है आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी हो और अच्छी तरीके से हो, इसलिए जो है मैं आप सभी को ये प्रीवियस वाले पेपर दिखा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा एक बेसिक हिंट मिल जाए। अगर ये क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको ये अभी से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। तो सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2019-20 का सी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट, पहले तो कॉमन सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इसको आपको जो 3 घंटे मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, और टोटल मार्क है 350 का, ठीक है। 350 मार्क्स है टोटल। और मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सुनाने वाला हूँ, इसके आंसर हम किसी और वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी लूंगा, क्योंकि 350 मार्क का पेपर है, बहुत बड़ा पेपर है, और थोड़ा सा समय भी लग सकता है, लेकिन मैं थोड़ा फास्ट लेने की कोशिश करूंगा। चलिए सभी कैडेट्स, तो सबसे पहला इसमें पार्ट होता है ड्रिल। तो ड्रिल के ऊपर 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्ट वन होता है ड्रिल, तो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें सबसे पहला है कि ड्रिल के प्रकार होते हैं, तो ड्रिल के कौन कौन से प्रकार होते हैं यहाँ पे आप सभी को लिखना है। चलिए उसके बाद में सशस्त्र सेनाओं में रैंक के ऊपर के अधिकारियों को सल्यूट दिया जाता है। तो भैया आर्म फोर्स में किस रैंक के ऊपर के अधिकारियों को सल्यूट दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको जो भी लगता है यहाँ पे उसका आंसर आप लिख सकते हो। कवायद तुरंत और अव्यक्त का विकास करती है, तो कवायद तुरंत और अव्यक्त का विकास करती है यहाँ पे आप लिख सकते हो। ड्रिल डेवलप क्वालिटी टू इमीडिएट टू इम्प्लीकेट, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो भी आपको लगता है आंसर लिख सकते हो। उसके बाद में तेज चाल में कदम कितना इंच होता है, और तथा 1 मिनट में कितने कदम उठाए जाते हैं। तो तेज चाल में कदम की लंबाई कितना इंच होती है, और जो है 1 मिनट में कितने कदम उठाए जाते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर आप सभी को लिखना है, ठीक है। मैं जो है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप बी का ही कराते हो, सी का भी कराओ, तो आप सभी एनसीसी सी वालों बच्चों के लिए सी सर्टिफिकेट का पेपर लेकर आया हूँ, ठीक है। अच्छी तरीके से सभी लोग फोकस्ड होके देखो, एक एक क्वेश्चन को याद रखो। चलिए उसके बाद में सही और गलत, तो सही और गलत में क्या है, आराम से के दौरान रुमाल का इस्तेमाल पसीना या नाक पोंछने के लिए किया जा सकता है, सही है या गलत है, ठीक है। आराम से के दौरान रुमाल का इस्तेमाल पसीना या नाक पोंछने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि हथियार के साथ विश्राम की स्थिति में शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान होता है। चलिए उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है सही और गलत का, दाहिने या बाएं चल में लगातार 12 कदम चल सकते हैं, दाहिने या बाएं चल में लगातार 12 कदम चल सकते हैं, सही या गलत है आप सभी को लिखना है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब दोनों लैंग्वेज में नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा।
चलिए, जब तीन और तीन की चाल में दाहिने बाएं घूम की कमांड में अंदर वाली फाइलें के कदम की लंबाई एक जैसी होती है, सही है या गलत है? जब तीन और तीन की चाल में दाहिने बाएं घूम की कमांड में अंदर वाली फाइलें की कदम की लंबाई एक जैसी होती है, ट्रू है फॉल्स है? जो लगता है आप सभी इसको आंसर लिख लीजिए। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एम ऑफ ड्रिल, कवायद का लक्ष्य क्या है? तो कवायद का लक्ष्य आप सभी को लिखना है, जो कि दो मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जो है ये ब्लैंक वाली जो जगह होती है यहाँ पे आप सभी को इसका आंसर लिखना होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है आप सभी को आंसर लिखना होता है। चलिए उसके बाद में पार्ट टू होता है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि ये फोटो कॉपी थोड़ा सा अच्छी नहीं आई है तो इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन कोशिश करो भैया, ये पेपर कहीं मिलते नहीं है, ठीक है। उसके बाद में वेपन ट्रेनिंग जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन है, वेपन ट्रेनिंग के ऊपर 10 मार्क के लिए पूछा गया था 2019 के पेपर में। तो इसमें सबसे पहला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, 5 मार्क के लिए पूछा गया। तो .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है, उसके बाद में फायरिंग के लिए सबसे आरामदायक स्थिति कौन सी होती है, इंसास राइफल का कैलिबर कितना होता है, उसके बाद में टारगेट का अग्रिम शूटिंग का इस्तेमाल होता है, तो जो हमारा एडवांस शूटिंग होता है तो उस शूटिंग में कौन से टारगेट का इस्तेमाल होता है, ये आप सभी को लिखना है। और MPI का अर्थ क्या होता है, ठीक है, MPI का फुल फॉर्म आप सभी को लिखना है, ओके, MPI का मीनिंग आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए तो उसके बाद में सही और गलत पूछा गया है, तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है सही और गलत का। तो इंसास राइफल की कैलिबर की पहुंच 400 मीटर होती है, 5.56 इंसास राइफल की कारगर पहुंच जो है कितने 400 मीटर होती है, क्या सही है या गलत है, ठीक है। इफेक्टिव रेंज ऑफ राइफल 5.56 इंसास इज 4400 मीटर्स, ठीक है, सही या गलत है जो लगता है लिख दीजिए। उसके बाद में .22 राइफल की लंबाई 40 वेट सभी कैडेट्स, ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ तब तक आप सभी ना, सुबह सुबह क्या होता है थोड़ा सा खांसी आ जाती है, ज्यादा जोर से अगर आवाज निकली तो। चलिए सभी लोग, मुझे लगता है कि आप सभी ना बिस्तर से वीडियो देख रहे हो या क्या कर रहे हो, सभी लोग सो के होंगे अच्छी तरीके से, बिस्तर में वीडियो देख रहे हो, ठीक है, चद्दर कंबल ओढ़ लिया होगा और कंबल में वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सुबह सुबह जल्दी सुबह उठने के बाद ना आपको पता चलेगा क्या होता है। चलिए उसके बाद में .22 राइफल की बैरल में 6 खांचे होते, सही या गलत है? .22 राइफल के बैरल में 6 खांचे होते, तो सभी लोग चार्ट बॉक्स में बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट है, आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, साथ में आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं मैं, ओके। तो एनसीसी राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार सहायक है, जो कि 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीसी राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार सहायक है। सभी कैडेट्स मैं फिर से आप सभी को बोल रहा हूं, वीडियो सही तरीके से देखो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं पे मिलते नहीं है, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते है, ठीक है, इसीलिए सभी कैडेट अच्छे से ध्यान दे के पढ़ो। चलिए उसके बाद राष्ट्र निर्माण की कोई 6 समस्याएं लिखो, जो कि 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो राष्ट्र निर्माण की कोई 6 समस्याएं आप सभी को लिखना है। चलिए 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे वर्तमान में नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भैया हमारे वर्तमान में भारत के नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, राष्ट्रीय ऑब्जेक्टिव क्या है, राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है, हमारे वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय ऑब्जेक्टिव क्या है, या ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, वर्तमान में उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है, हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है, ठीक है। चलिए उसके बाद में आता है भाई आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, जो कि 70 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, ठीक है, व्यक्तित्व विकास तथा नेतृत्व के ऊपर। तो इसमें आया है कि शॉर्ट टिप्पणी आप सभी को लिखना है, जो कि इसमें सबसे पहले बियरिंग के बारे में आप सभी को लिखना है, ठीक है, बियरिंग क्या होता है, बियरिंग को हम आचरण बोलते हैं, ठीक है, आचरण बिहेवियर आपका, तो बिहेवियर के बारे में आप क्या समझते हो, तो यहाँ पे जो है आपको लिखना है, ठीक है, ये 4 मार्क के लिए है, ठीक है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है तो आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद में भरोसा या लायक विश्वसनीय क्या है, डिपेंडेबिलिटी, ठीक है, डिपेंडेबिलिटी जो है इसके ऊपर आप सभी को शॉर्ट नोट्स लिखना है, शॉर्ट टिप्पणी लिखना है। उसके बाद में अखंडता इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी के ऊपर आप सभी को लिखना है, ये भी जो है 4 मार्क के लिए पूछा गया है, यहाँ पे आप सभी को लिख देना है। चलिए अखंडता से आप क्या समझते हो,
उसके बाद में सहन शक्ति, एंडोरेंस, एंडोरेंस से आप क्या समझते हो, ये भी आप सभी को लिखना है, जो कि ये क्वेश्चन भी 4 मार्क के लिए पूछा गया है। चलिए उसके बाद में इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव मतलब कि पहल करना, तो पहल करना के बारे में आप क्या समझते हो, पहल करना से आप क्या समझते हो, तो इसका आंसर आप सभी को लिख देना है, जो कि ये भी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसके आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, टेंशन ना लीजिए, लेकिन आप सभी अभी देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच जो भी आपको इसका आंसर लगता है आप सभी को लिख देना है, ठीक है। रचनात्मक सोच के ऊपर आपको थोड़ा संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उसके बाद में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो पारस्परिक संबंध पे जो है आप सभी को क्या करना है, तो भैया यहाँ पे आप सभी को इसका आंसर लिखना है, टिप्पणी लिखना है, पारस्परिक संबंध से आप क्या समझते हो। उसके बाद में पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हो, तो पर्सनालिटी के ऊपर आप सभी को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। चलिए आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतृत्व के लक्षण क्या है और एक अच्छे लीडर के 4 गुणों, तो नेतृत्व के लक्षण आप सभी को लिखना है, ठीक है, और साथ में जो है एक अच्छे लीडर के 4 गुण लिखना है, 4 क्वालिटीज लिखना है, 4 लीडरशिप ट्रेट्स लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, जो कि ये सारे के सारे क्वेश्चन ना 2019 के एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछे गए है। किसी भी 6 प्रकार के शिष्टाचारों की सूची लिखो, भैया किसी भी 6 प्रकार के शिष्टाचार की सूची आप सभी को लिखना है, 6 प्रकार के शिष्टाचार के प्रकार आपको लिखना है शिष्टाचार के, ठीक है, जो कि 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट है कि डिफाइन बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा को परिभाषित करो, ठीक है, शारीरिक भाषा को परिभाषित करो, शरीर के हिस्से को नाम दे जो शारीरिक भाषा में शामिल होते, ठीक है, शारीरिक भाषा को आपको जो है परिभाषित करना है, उसकी डेफिनेशन लिखना है, डिफाइन बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है उसकी डेफिनेशन आपको लिखना है, और आप सभी को शरीर के किसी नाम दे जो शारीरिक भाषा में शामिल होते हैं, तो जो शारीरिक भाषा के समय जो शरीर के नाम आप सभी को लिखना है जो इन्वॉल्व होते हैं। चलिए इसके आंसर लेकर आऊंगा, टेंशन ना लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। और सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो सभी कैडेट्स एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि ये क्वेश्चन कहीं पे मिलते नहीं है भैया, ये क्वेश्चन कहीं पे मिलते नहीं है, ठीक है, इतना मेहनत से आप सभी के लिए ये क्लास लेकर आया हूं, तो कुछ ना कुछ एक बार लाइक बटन तो दबा दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं। चलिए किन्हीं 6 प्रकार के प्रबंधन तकनीकों के नाम लिखो, तो ठीक है किन्हीं 6, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स होती है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स होती है, वो 6 टेक्निक्स आप सभी को लिखना है, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क के लिए पूछा गया। कितने मार्क्स के लिए पूछा गया, तो 6 मार्क्स के लिए। तो चलिए आप सभी को मैं एक बात यहाँ पे बता दूं, जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी के लिए मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, आप देख सकते हो, आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है आप सभी के लिए जिनकी भी पढ़ाई नहीं हुई है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अभी आने वाला है, ठीक है, कुछ ही दिनों में उनका एग्जाम आने वाला है, उनकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है, अगर आप सभी को अच्छे ग्रेड से पास होना है, कम से कम समय में पास होना है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एनसीसी के, लेकिन ये कोर्स एक पेड कोर्स है, इसके लिए आप सभी को पेमेंट करना पड़ेगा। बात करते हैं बी सर्टिफिकेट के कोर्स के बारे में, अगर आप एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो तो आपको जो है बी सर्टिफिकेट के कोर्स में टोटल 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जी हाँ, इसी तरीके से टोटल 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, साथ में इनके 8 आंसर शीट मिलेंगी, फिर आपको 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट, 1 क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, जिसमें 270 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी इतना सब कुछ पढ़ लेते हो ना, आप आपका बी का एग्जाम आराम से क्लियर कर पाओगे, ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन आप सभी को इतना पढ़ना पड़ेगा, इन सभी क्वेश्चन पेपर में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हो। हमने अभी जो डिस्कस किए ना, अब ये क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन उस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप अब बात करेंगे एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के कोर्स की फी के बारे में, तो इसकी फी जो है वो 199 रुपीज है, 199 रुपीज है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेस करने के लिए, तो आप नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेज सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बारे में। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों का सी सर्टिफिकेट का एग्जाम आने वाला है,
अभी एक दो हफ्ते में, दो हफ्ते तीन हफ्ते में आने वाला है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़े तो क्या पढ़े, क्या हैंडबुक लेके बैठ जाए पूरी, क्या क्या पढ़े हैंडबुक में, क्या क्या पढ़े, ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से नोट्स पढ़े, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो भैया टेंशन ना लीजिए, आप सभी के लिए मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका एग्जाम क्लियर करने में आप सभी को हेल्प करेंगे। तो चलिए सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, टोटल ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, इनके 10 आंसर शीट मिलेंगी, 2 प्रैक्टिकल पेपर्स मिलेंगे, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट, 1 क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतना सब कुछ पढ़ लेते हो ना, इतना सब कुछ भी पढ़ लेते हो ना, आप आपका बी का और सी का एग्जाम आप आराम से क्लियर कर पाओगे, ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन आप सभी को इतना सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा तभी आप जो है आपका एग्जाम क्लियर कर पाओगे। और जो भी मैं यहाँ पे आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है सी सर्टिफिकेट के, वो सारे क्वेश्चन आपको उस मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेस करने के लिए, तो इसकी जो फीस है वो 199 रुपीज़ है, 199 रुपीज़ है। अगर आप परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर ये पेपर हमारे पास आएंगे कैसे, ये हमारे घर में आएंगे क्या सर, कितने समय बाद पेपर आएंगे, पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, तो अभी इन सभी डाउट्स को अभी क्लियर करते हैं। देखिएगा, पेमेंट्स के लिए आप सभी के पास ये डिजिटल पेमेंट्स मोड्स होंगे, इनके माध्यम से आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि इसमें आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और व्हाट्सएप पे, ये पेमेंट्स के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के फ्री इसी नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी को आपके पेपर, आपके आंसर शीट, आपके टॉपिक वाइज नोट्स, ये सारे के सारे आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, पीडीएफ फाइल में आएंगे। फिर से एक बात बता दूं कि ये पेपर हिंदी लैंग्वेज में है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा है, सुनहरा मौका है, आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से परचेस कर सकते हो। और पेपर सिर्फ आर्मी विंग वालों के लिए, अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो इसके लिए परचेस ना करें, ठीक है, सिर्फ आर्मी विंग वालों के लिए है। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि सच में मुझे पास होना है, अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए। अगर आपकी पढ़ाई ऑलरेडी हुई है तो ये कोई जरूरत नहीं है आपको इन क्वेश्चन पेपर को परचेस करने की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो मत करिए, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोई 6 गुण जिनसे आप प्रभावित हुए हो, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ 6 क्वालिटीज आप सभी को लिखना है। उनमें जो 6 क्वालिटीज, उनमें कई सारी क्वालिटीज है, तो उनमें से आपको जो 6 क्वालिटीज लिखनी है जो कि जिनसे आप मोटिवेट हुए हो, जिनसे आप प्रभावित हुए हो, जो कि 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो, ठीक है, आप आपके जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या ध्येय है आपका, क्या एम है आपका आगे चल के, और क्यों बनना चाहते हो, ये भी आपको लिखना है जो कि 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले कार्य लिखो, ठीक है, कारक लिखो। तो व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक है आप सभी को लिखना है जो कि 6 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का आंसर आप सभी को लिखना है। ये फोटोकॉपी थोड़ा अच्छी नहीं आई है लेकिन आप कोशिश करो अच्छी तरीके से देखने के लिए। तो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर आपके एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 20 मार्क के लिए पूछा गया था 2019 में। तो बाढ़ के रहित राहत शिविर स्थापित करते हुए किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, बाढ़ के समय में राहत शिविर स्थापित करते हुए किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो कि 6 मार्क के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया। आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूँ, देखिए चार्ट बॉक्स में ऐसा कुछ गलत ना लिखिए कि जिसके वजह से किसी का दिल दुख सके, ठीक है, किसी को बुरा लग सके ऐसा चार्ट बॉक्स में ना लिखिए, सभी से रिक्वेस्ट है। अगर ऐसा कोई कैडेट करता है तो उसको सीधी सी बात है, मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो नागरिक सुरक्षा के बारे में आप क्या जानते हो, तो जो कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो नागरिक सुरक्षा के बारे में आप क्या जानते हो, जो भी जानते हो आप सभी को लिखना है जो कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग को परिभाषित करो, ठीक है, फायर क्या होती है, आग क्या होती है उसको परिभाषित करना है, और आग के प्रसार के विभिन्न तरीकों का उल्लेख भी करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा के दौरान आवश्यक
सेवाओं को रखरखाव में एनसीसी कैडेट कैसे नागरिकता की प्रशासन सहायता की मदद कर सकते हैं, ठीक है। आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं के रखरखाव में एनसीसी कैडेट कैसे नागरिक प्रशासन की मदद कर सकते हैं, कैसी सहायता कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन ना हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। इसके आंसर भी मैंने ऑलरेडी जो टॉपिक वाइज नोट्स चली थी ना उसमें मैंने बताए हुए हैं आप सभी को, ठीक है, जो कि 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में आता है भैया सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एनसीसी कैडेट के तौर पर आपने जो समाज हेतु कार्य किए उनमें से 4 उल्लेख करो, ठीक है। आप एक एनसीसी कैडेट हो, आपने समाज के लिए कौन कौन से कार्य किए उनमें से 4 कार्य के नाम आप सभी को लिखना है, ठीक है। आपने अभी तक कौन से बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज आपने किया होगा तो 4 एक्टिविटीज के नाम आपको लिखना है, जो कि 4 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदान से लाभ क्या है। तो जब आप रक्तदान करते हो तो उससे लाभ क्या होते हैं, जो कि 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो रक्तदान से लाभ आप सभी को लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने गांव में किन सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार लाना चाहते हैं और किन सामाजिक गतिविधियों द्वारा इस कार्य को पूर्ण करोगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो है थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। आप अपने गांव में किन सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार लाना चाहते हो, भैया आप आपके गाँव में किन सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार लाना चाहते हो और किन सामाजिक गतिविधियों द्वारा इस कार्य को पूर्ण करना चाहते हो, ठीक है, जो कि यह क्वेश्चन 6 मार्क के लिए पूछा गया है, आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे समाज में दहेज प्रणाली के खराब प्रभाव लिखो। भैया जो दहेज प्रणाली के जो इफेक्ट होते हैं ना, खराब प्रणाली, ठीक है, तो उसके इफेक्ट आप सभी को लिखना है। तो दहेज प्रणाली अगर होती है तो उसके क्या इफेक्ट है, ये आपको लिखना है, जो कि 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा गया है एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV और एड्स क्या है, HIV और एड्स क्या है, ऐसे किसी भी 4 तरीके उल्लेख करो जिनके द्वारा HIV संचारित नहीं होता है, ठीक है। ऐसे कोई 4 तरीके आप सभी को बताना है कि जिनके द्वारा HIV संचारित नहीं होता है, ठीक है। HIV एड्स क्या होता है हमने देखा था भैया परसों वाली क्लास में, हमने देखा था HIV एड्स क्या है, क्या होता है, जो कि सामाजिक सेवा की जो हमारी सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो टॉपिक वाइज नोट्स की जो क्लासेस चली थी उनमें हमने सभी देखा था NCC स्पेशल क्लास में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैडेट को समाज सेवा के लिए कैसे उत्साहित करें, कैडेट्स को जो है समाज सेवा के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे, तो इसका भी आंसर ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को लिखना है, जो कि 4 मार्क के लिए पूछा गया है आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम। फिर है हेल्थ एंड हाइजीन, जो कि 30 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है, भैया जो ब्लाइंडनेस जो डिसीज होता है वो किस विटामिन के कमी से होता है, इसका भी आंसर लिख देना है। उसके बाद स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी दर 1 मिनट में कितनी होती है, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी जो है 1 मिनट में कितनी होती है। उसके बाद में HIV का विस्तार, HIV का फुल फॉर्म आप सभी को लिखना है क्या होता है। उसके बाद में रक्त समूह को सबको रक्त दे सकता है, भैया ऐसा कौन सा यूनिवर्सल डोनर है जो कि सबको रक्त दे सकता है। उसके बाद में मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी पाई जाती है, तो ये भी आपको लिखना है, ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, जितनी भी होती है आप लिख सकते हो। चलिए उसके बाद में टिप्पणी आप सभी को लिखना है, जो कि 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, 9 मार्क होंगे टोटल। तो योगा के बारे में आप सभी को टिप्पणी लिखना है, योगा के बारे में, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख दीजिए। उसके बाद बात करेंगे यह है मोक पिंट, ठीक है, मोक पिंट के बारे में आपको जो है शोक पिंट के बारे में जो है आप सभी को टिप्पणी लिखनी है, ठीक है, शोक पिंट के बारे में। चलिए उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा अच्छे से, लेकिन कोशिश करो, ठीक है, ये फोटो कॉपी थोड़ा अच्छी नहीं आई है तो, लेकिन कोशिश करो देखने की। तो मेंटल हेल्थ की जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा टिप्पणी लिखना है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, ये लिखना है, जो कि 3 मार्क के लिए पूछा गया है। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन है कि संचारी रोगी को रोकने के लिए किसी भी 4 निवारण उपायों का उल्लेख करें। देखिए संचारी रोगों को रोकने के लिए किसी भी 4 निवारक उपायों का उल्लेख करें, ठीक है, आप उल्लेख कर दीजिए, जो कि 4 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। इसका आंसर शीट भी मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है, एक दिन लेकर आऊंगा, लेकिन आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन देखिए कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए तो पानी शुद्धिकरण के तरीके लिखो, तो पानी कैसे शुद्धिकरण होता है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सभी को लिख देना है। उसके बाद मानसिक आरोग्यता के लिए क्या आप क्या कदम उठाएंगे, मानसिक आरोग्यता के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, जो कि 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसका आंसर अच्छे से लिख सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवेंचर ट्रेनिंग जो कि 20 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एडवेंचर ट्रेनिंग के ऊपर, तो एनसीसी में कौन कौन सी साहसिक क्रियाकलाप कराई जाती है जो कि 6 मार्क के लिए पूछा गया है, आप सभी इसके आंसर अच्छे से लिख सकते हो। चलिए उसके बाद में ट्रैकिंग कैंप में सहभागिता करने हेतु तैयारियों तथा सावधानियों का वर्णन करें। ठीक है, जब भी हम ट्रैकिंग कैंप के लिए जाते हो पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे पहले क्या क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस करने लेना चाहिए, ये सभी जो है आप सभी को लिखना है जो कि 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है तो पर्वतारोहण कैंप में सहभागिता करने हेतु कैडेटों ने किन जरूरी विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, जब आप रॉक माउंटेनियरिंग कैंप में जब आप जाते हो पार्टिसिपेट करते हो तो क्या क्या प्रिकॉशंस जो है आप सभी को लेना चाहिए, तो ये भी आप सभी को लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किसी भी स्थिति में स्लीदरिंग का उपयोग किया जाता है, किस स्थिति में स्लीदरिंग का उपयोग किया जाता है, जो कि यह क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा गया है, तो आप सभी को इसका आंसर भी लिखना है। सभी कैडेट्स में आप सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए उसके बाद में ऊर्जा संरक्षण कैसे प्राप्त किया जाता है और आजकल ऊर्जा में वृद्धि के लिए किसी भी 3 कारणों को लिखो, जो कि 20 मार्क के लिए एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन के ऊपर पूछा जाता है, तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है 2019 के पेपर में, तो इस 6 मार्क्स के लिए पूछा है, जो आंसर आपको लगता है लिख दीजिए। चलिए उसके बाद में वृक्ष प्रदूषण को नियंत्रित करने में कैसे मदद करते हैं, जो कि 6 मार्क के लिए यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, वृक्ष कैसे मदद करते हैं पर्यावरण नियंत्रण के लिए या प्रदूषण नियंत्रण के लिए, 6 मार्क के लिए पूछा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो टिप्पणी लिखना है आप सभी को, टिप्पणी लिखना है 4 मार्क के लिए पूछा गया है, तो ऊर्जा संवर्धन एनर्जी कंजर्वेशन से ऊर्जा संवर्धन के ऊपर आप सभी को एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है, शॉर्ट में आप सभी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हो, जो भी आप समझते हो यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप सभी को एक छोटी सी टिप्पणी लिखना है, जो कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब है ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग बाधा प्रशिक्षण, 5 मार्क के लिए पूछा गया आपके 2019 के सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में, तो इसमें एनसीसी में बालिका तथा बालक वरिष्ठ स्कंदक के लिए क्रमवार बाधा प्रशिक्षण मार्ग नक्शा बनाते हुए उनमें बाधाओं का नामकरण उल्लेखित करें। ठीक है, जो भी आपको लगता है इसका आंसर लिख दीजिए, जो कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया। स्पेशलाइज्ड के ऊपर जो है हम रात वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो बहुत वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, तो इसके ऊपर हम आज की जो रात वाली क्लास होगी ना शाम वाली, तो उसमें हम स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से पूछे गए थे। तो चलिए अगर आप सभी बहुत बढ़िया, जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हो बहुत बढ़िया, शाबाश सभी लोग। ठीक है, हमने अभी बिल्कुल कॉमन सिलेबस को हमने अभी डिस्कस किया, हमने पूरा टोटल 205 मार्क का क्वेश्चन पेपर अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से इन सभी क्वेश्चन जो जो पूछे गए थे उन क्वेश्चन पेपर को आप आपके नोटबुक पे लिख लीजिए। ठीक है, और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हो। ठीक है, अगर आप मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को अगर परचेज करना चाहते हो तो इसमें भी वो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ये पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स को परचेस कर सकते हो, अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है आप सभी को 2019 का एनसीसी का बी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे जो है एनसीसी की स्पेशल क्लास आपको दिख जाएगी, तो ये दोनों वीडियो देख लीजिए। तो बहुत बढ़िया सभी लोग, जितने भी बच्चे अभी तक बने हो। ठीक है, तो चलिए बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे, दिन ब दिन बच्चे बहुत कम हो रहे, क्या पता क्यों कम हो रहे। तो चलिए मिलेंगे बिल्कुल रात वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।